फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। सो टुडेज वी आर लर्निंग अबाउट फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी मास। हम जो SWD पढ़ने वाले हैं उसमें हम, यह थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम केबल मेथड देखेंगे। केबल मेथड क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर मेथड एंड उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोड का हमें प्लेसमेंट करना है, वो सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो हम देखते हैं केबल मेथड क्या होता है। द केबल इज क्वाइल्ड अराउंड द पेशेंट बॉडीज हेयर पैड इलेक्ट्रोड आर इनकन्वीनियंट टू यूज। मीन्स क्या होता है, केबल मेथड का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पैड इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया पे हमें हीट प्रोवाइड करनी है, हीट देनी है टिश्यूज को, तो वहाँ पे हम केबल मेथड यूज़ करेंगे। हेयर पैड इलेक्ट्रोड आर इनकन्वीनियंट। सो क्या, दो टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड इन केबल में ही होता है। दोनों जो हम केबल का यूज़ करते हैं, हमारे पास जैसे ये केबल हो गई, तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो जैसे हमें ब्रॉड एरिया पे यूज़ करना है तो इसे हम उठा के उस एरिया में, हमें बैक में रखनी है तो बैक में ऐसे, ये पेशेंट की बैक है तो यहाँ ऐसे करके हमने केबल को रख दिया, तो ये ब्रॉड एरिया को हीट देगी। टू टाइप्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। इफेक्ट क्या होता है इसका यूज़ करने से केबल का, इफ़ द केबल इज क्वाइल्ड अराउंड द मटेरियल ऑफ हाई इम्पीडेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रो डोमिनेंट। मीन्स यदि हम जो केबल मेथड का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इम्पीडेंस है, मीन्स बहुत ज़्यादा फैट है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो प्री डोमिनेंट हो जाता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड नेक्स्ट जो है हमारा, इफ़ द केबल इज क्वाइल अराउंड द मटेरियल ऑफ लो इम्पीडेंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रो डोमिनेंट। मीन्स यदि जहाँ हम केबल मेथड का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लो इम्पीडेंस है, मीन्स वहाँ पे ब्लड है, मसल्स है, वहाँ पे ज़्यादा फैट नहीं है, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा। यदि हाई इम्पीडेंस है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीडोमिनेंट होगा। ओके, सो इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, लो इम्पीडेंस टू बी ट्रीटेड ब्लड द अरेंजमेंट ऑफ केबल लाइज टुवर्ड द सेंटर ऑफ केबल। मीन्स यदि हम लो इम्पीडेंस को ट्रीट कर रहे हैं, मीन्स जहाँ पे ब्लड है, मसल्स है, वहाँ पे फैटी टिश्यूज नहीं है, तो वहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो केबल का अरेंजमेंट है वो हम टूवर्ड द सेंटर ऑफ केबल, मीन्स जहाँ पे लो इम्पीडेंस है वहाँ पे हम उस केबल का सेंटर रखेंगे जहाँ से उसे हीट ज़्यादा मिल सके। तो हम देखते हैं कि हम क्या टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो एक क्वाइल इज वुंड अराउंड सर्कमफेरेंस ऑफ द लिम्ब। ये हमारा लिम्ब है, तो हम यहाँ जहाँ भी हमें पेन है, बुंड है, तो उसके सर्कमफेरेंस हम केबल मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ए हेलिक्स इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट लार्ज एंड फ्लैट एरियाज लाइक बैक। मीन्स हेलिक्स क्या हो गया, ये केबल का ये हेलिक्स हो गया, और ये हम ट्रीट करते हैं लार्ज एरिया, मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया हो गया, जैसे कि हमारी बैक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जब हम हीट का यूज़ करते हैं, SWD का यूज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हाँ, जो हीट का जो अमाउंट है, मीन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किस टाइप से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अरेंज किया है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा मसल स्पाजम हो गया, मीन्स मसल स्पाजम है वहाँ पर हम हीट को यूज़ करेंगे, SWD का यूज़ करेंगे। एरिया के हिसाब से कैपेसिटर मेथड का यूज़ करेंगे, केबल मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम SWD का यूज़ करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें इन्फेक्शन है तो वहाँ डायरेक्टली हम SWD का यूज़ नहीं करेंगे, इन्फेक्शन को पहले कवर कर देंगे किसी स्टाइल पॉलिथीन से, उसके बाद वहाँ हीट हम देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन डायरेक्टली हम देंगे तो इस इन्फेक्शन के और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे फैलने के। एंड डिलेड हीलिंग, मीन्स जो हीलिंग प्रोसेस लेट हो रही है, मीन्स जल्दी से हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रही है, वहाँ पे हम हीट देंगे जिससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए, फिजियोलॉजिकल उसमें चेंजेस आए, मीन्स वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाए जिससे कि हीलिंग प्रोसेस फास्ट होने लग जाए। एंड नेक्स्ट इज फिब्रोसिस है। नेक्स्ट है क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं जब भी हम SWD का यूज़ करते हैं।
फर्स्ट है जैसे कि हमारा डिसऑर्डर मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, कोई भी मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में प्रॉब्लम है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है मीन्स कोई भी टेंडिनाइटिस है या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम है, पेन है, कैप्सूल लीजन हो गया है, डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज है मीन्स डिजनरेट हो रहा जल्दी से, और ज्वाइंट स्टिफनेस है, हीमेटोमा है, टीनोसाइनोवेटिस है एंड बर्साइटिस एंड फॉलन सॉन है। इन सारी चीज़ों में हम SWD का यूज़ करते हैं। ये आपने यदि अभी नहीं पढ़ा है तो हम लास्ट वीडियो में हम ये सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या स्प्रेन है, क्या स्ट्रेन है, क्या हीमेटोमा है, क्या टीनोसाइनोवेटिस। तो लास्ट तो हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया है, वो ज़रूर आप देख लें। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन है जैसे कि मेटालिक इम्प्लांट, मेटल लगाई हुई है मीन्स फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे, फिर से